नमस्कार मित्रों, मैं विजय शंकर सिंह आप सभी का चैनल में स्वागत कर रहा हूँ। मित्रों, निवेश के फील्ड में सफलता के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी अवसर को, अपॉर्चुनिटी को पहले पहचान लिया जाए। यदि हम अपॉर्चुनिटी को पहले पहचान लेते हैं तो हमें पैसा बनाने में फ़ायदा होता है। तो मित्रों, आज की डेट में नियुक्ति के जितने 50 स्टॉक हैं उसमें कई ऐसी कंपनियाँ हैं जिससे ज़्यादा अच्छी नियुक्ति के बाहर की कंपनियाँ हैं। तो उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले समय में वो कंपनियाँ नियुक्ति का हिस्सा बनेंगी और जो नियुक्ति में खराब कंपनियाँ हैं उनको हटाया जाएगा। यह सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है मित्रों। हर 6 महीने पर नियुक्ति द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, समीक्षा किया जाता है। उस समीक्षा के उपरांत शेयरों की रिप्लेसमेंट की जाती है। पिछली बार जो अगस्त महीने में बदलाव किया गया था उसमें जो है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस को हटा करके नेस्ले को एंट्री दी गई थी। अब भी इसमें सर कुछ ऐसी कंपनियां हैं जैसे यस बैंक को देख लीजिए, टाटा मोटर्स को देख लीजिए, इनका मार्केट कैप देखेंगे तो जैसे यस बैंक की बात करें तो 10,000 करोड़ आ गया है। और तमाम जो दूसरी कंपनियाँ हैं और भी तमाम कंपनियाँ हैं निफ्टी में जिनके मार्केट कैपिटल से निफ्टी के बाहर की कंपनियों का मार्केट कैप ज़्यादा है। तो आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ उन कंपनियों की जिनकी मार्केट कैप निफ्टी के कुछ कंपनियों से ज़्यादा है और आने वाले समय में वो निफ्टी में शामिल हो सकती है। ये कंपनियाँ सभी फंडामेंटल रूप से बिजनेस के तौर पर बिल्कुल स्ट्रांग है और निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े आकर्षक हैं। ये सभी के सभी अच्छे स्टॉक हैं। तो मैं 10 ऐसी कंपनियों को बताने जा रहा हूं जो आने वाले समयों में निफ्टी में शामिल हो सकते हैं। तो पहला स्टॉक है मित्रों HDFC लाइफ। HDFC ग्रुप की लाइफ इंश्योरेंस कारोबार की करने वाली कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। इसका मैनेजमेंट, इसका बिजनेस मॉडल दोनों ही इतना शानदार है मित्रों कि यह पोर्टफोलियो का एक अवश्य हिस्सा होना चाहिए। और HDFC लाइफ वर्तमान में देखा जाए तो 608 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और मार्केट कैपिटल की बात की जाए तो 1,22,000 करोड़ का है, यानी बहुत बड़ी कंपनी है। दूसरे नंबर पर देखा जाए मित्रों तो ANU सुपरमार्ट जो डी मार्ट मार्केट चेन को, जो हाइपर मार्केट है उसको ओन करती है ANU सुपरमार्ट के प्रमोटर हैं मिस्टर राधाकृष्ण दमानी जो कि स्टॉक मार्केट के दिग्गज निवेशक हैं। ANU सुपरमार्ट कई मामलों में बहुत आकर्षक है, एक पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। ANU सुपरमार्ट मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है और वर्तमान में यह 1924 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसका मार्केट कैपिटल है 1,20,000 करोड़ का। तीसरे नंबर पर देखा जाए तो पुनः लाइफ इंश्योरेंस का कंपनी है SBI लाइफ। यह SBI ग्रुप की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी करने वाली कंपनी है जो 925 पर ट्रेड कर रही है और मार्केट कैपिटल है 93,000 करोड़। चौथे नंबर पर देखा जाए तो डाबर इंडिया है। डाबर FMCG आयुर्वेद मल्टीपल प्रोडक्ट हैं इसके, रियल का ये फूड जूस भी बनाती हैं, बहुत सारे इसके ब्रांड हैं। डाबर FMCG कंपनी का बहुत ही स्ट्रांग नाम है, वर्तमान में 466 के आसपास ट्रेड कर रहा है और मार्केट कैपिटल है 82,000 करोड़ रुपया। पांचवें नंबर पर देखा जाए तो PD Lite यानी जो फेविकोल बनाती है कंपनी, यह वर्तमान में 1,353 पर है और मार्केट कैप इसका 68,000 करोड़ है। छठे नंबर पर देखा जाए मित्रों तो ICICI प्रू लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, यह 476 के आसपास ट्रेड कर रहा है और मार्केट कैपिटल है 68,000। यहाँ एक चीज़ चर्चा करने लायक है मित्रों कि बाब ये जो मोतीलाल ओसवाल कंपनी के जो CEO हैं ज्वाइंट MD मिस्टर रामदेव अग्रवाल, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि आने वाले समय में जो वेल्थ क्रिएशन होगा वो AMC बिजनेसेस में होगा। उनका कहना था कि जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है, फिर AMC वाली जो बिजनेसेस है वो धीरे धीरे करके लिस्ट हो रही है। तो अगले चरण में देखा जाए या मौजूदा चरण जो चल रहा है उसमें इन कंपनियों में
पैसा बनने की संभावनाएं हैं। तो ऐसे ऐसे प्रो लाइफ, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, तीन कंपनियां ऑलरेडी आ चुकी हैं। और सातवें नंबर पर देखा जाए तो इंटर ग्लोब एविएशन, ये इंडिगो एयरलाइन चलाने वाली कंपनी है। जब से जेट एयरवेज कंपनी बंद हुई है तब से इंटर ग्लोब एविएशन और स्पाइस जेट दोनों को जबरदस्त मुनाफा हुआ है। इंटर ग्लोब एविएशन ज़्यादा आकर्षक है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यह वर्तमान में 1729 पर ट्रेड कर रहा है और मार्केट कैपिटल है 66,507 करोड़ रुपया। अगला देखें तो आठवें नंबर पर बंधन बैंक है जो 554 के आसपास ट्रेड कर रहा है और मार्केट कैपिटल है 66,000 करोड़। बंधन बैंक हाल ही में इसका IPO आया था, 2 या 3 साल हो रहा है। बंधन बैंक ने HDFC ग्रुप की एक कंपनी ग्रुप फाइनेंस इसको इसने टेक ओवर किया हुआ है। तो ये माना जा रहा है कि इसकी रीरेटिंग होगी और ये भी अच्छा रिटर्न देगा। और हाल ही में जो मॉर्गन स्टेनली का MSCI इंडेक्स होता है उसमें इसको शामिल किया गया है। जिस दिन 17 अक्टूबर के दिन शामिल किया जाना था उसके पहले जब ये न्यूज आई थी तो इस शेयर के अंदर अच्छी खासी तेजी देखी गई थी और अभी भी तेजी चल रही है। तो नवे नंबर पर देखा जाए तो श्री सीमेंट है, सीमेंट की सबसे अच्छी कंपनी, सबसे ज़्यादा मार्जिन वाली कंपनी है। वर्तमान में 18,600 के आसपास ट्रेड कर रहा है और मार्केट कैपिटल की बात करें तो 65,000 करोड़। देखिए दसवें नंबर पर बात करें मित्रों तो HDFC AMC है, HDFC AMC फिर एक AMC और यह 2880 के पर भाव चल रहा है और मार्केट कैपिटल है 61,000 करोड़। 11वें नंबर पर बात करें तो सीमेंस आता है जो कैपिटल गुड वगैरह बनाती है, वर्तमान में ट्रेड कर रहा है 1649 पर और मार्केट कैपिटल है 58,000 करोड़। और 12वें नंबर पर बात करें तो इंडिया सीमेंट है, सॉरी ICICI जनरल इंश्योरेंस है, फिर से एक AMC बिजनेस, 1243 के आसपास है और 56,000 करोड़ का मार्केट कैप। तो ये मित्रों जिन 12 कंपनियों को मैंने बताया ये आने वाले समयों में निफ्टी का हिस्सा बन सकती है। सबसे नंबर ऊपर कहा जाए तो सबसे नंबर एक पर है HDFC लाइफ इंश्योरेंस और एवेन्यू सुपर मार्केट, ये बहुत जल्दी ही निफ्टी में शामिल होगा। और इसके पीछे पीछे देखा जाए तो SBI लाइफ भी लगा हुआ है, PDLite भी लगा हुआ है और HDFC AMC जिस तरीके से बढ़ रहा है, पूरा का पूरा HDFC जो ग्रुप है मित्रों निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आकर्षक है। हम यदि SIP करें HDFC ग्रुप में तो HDFC, HDFC बैंक, HDFC AMC, HDFC लाइफ एक जबरदस्त वेल्थ क्रिएटर आने वाले समय में रहेगा, पहले भी रहे हैं और आगे भी रहेंगे। इसकी एक और कंपनी जिसका IPO माना जा रहा है कि 3-4 महीने के दौरान आ जाएगा, HDB फाइनेंस, वो भी जो नॉन लिस्टेड मार्केट होती है उसकी जबरदस्त चर्चाएं हैं और बहुत जबरदस्त उसका मार्केट चल रहा है। तो मित्रों 12 कंपनियों के बारे में मैंने बताया, सभी कंपनियां आकर्षक हैं। कोई भी निवेश करने से पहले आप अपने जो भी विशेषज्ञ हों उनसे राय लेवें या खुद की रिसर्च करें, उसके बाद ही निवेश के बारे में निर्णय लें। ये वीडियो प्योर जानकारी के मकसद से बनाया गया है, निवेश की राय कदापि। आज के लिए इतना ही मित्रों, जय हिंद जय भारत।